मैं लेके आया हूं बहुत ही कमाल की लाइव स्ट्रीमिंग डिवाइस। ये है OC Go Steam Duet वीडियो स्विचर। इस डिवाइस से आप एक साथ तीन प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। इसमें आपको चार HDI इनपुट, चार HDMI इनपुट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। काफी कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट वेट है। आप इससे डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो और भी बहुत सारे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। ये डिवाइस इस तरह की पैकिंग में आती है। यहाँ पर OC की ब्रांडिंग दी गई है। OC Go Steam प्रोडक्ट की इमेज यहाँ देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आपको चार HDI और चार HDMI इनपुट पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। इस डिवाइस से आप डायरेक्ट तीन प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। इसमें आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। बॉक्स के बैक साइड में इसके मेन फीचर्स को हाईलाइटेड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। ये है इसका यूजर मैनुअल। यहाँ पर एक छोटा सा इस तरह का कार्ड दिया गया है और एक हेलो का कार्ड दिया गया है, जिसके बैक साइड में सारे QR कोड दिए गए हैं। कंपनी की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है। 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का पावर एडप्टर इसके साथ मिल जाता है, जिसके एक साइड में इस तरह का कनेक्टर है और यहाँ पर आपको एक अलग से इंडियन प्लग का ये सॉकेट दिया गया है, जिसे आप यहाँ पर अटैच करना चाहो तो अटैच कर सकते हो। बॉक्स के अंदर हमें और कोई भी एसेसरीज देखने को नहीं मिलती है, कोई भी केबल वगैरह इसके साथ नहीं दी गई है। और ये है हमारी मेन डिवाइस OC Go Steam Duet। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का वीडियो स्विचर है, कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट वेट है। आप देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और फिनिशिंग भी काफी बेहतरीन यहां देखने को मिल जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात है, इस डिवाइस के साथ हमें एक मॉनिटर भी दिया गया है। 14 इंच का पोर्टेबल मॉनिटर भी दिया गया है। काफी स्लीक डिजाइन यहां देखने को मिल जाता है। ये मॉनिटर आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। डिवाइस के साथ हमें इस तरह का एक स्टैंड भी दिया गया है, जिस पर आपका वीडियो स्विचर भी लग जाएगा और जो मॉनिटर इसके साथ आया है वो भी यहां पर लग जाएगा। 1 साल की वारंटी आपको मिल जाती है और इसके अंदर जो NDI का फीचर दिया गया है, तो NDI का लाइसेंस भी आपको पूरी तरह से फ्री में मिल जाता है। ये डिवाइस आपको कहां से परचेज करनी है, सारी डिटेल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसके अलावा यहां पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके भी आप सारी जानकारी ले सकते हो और इस डिवाइस को परचेज कर सकते हो। यहां पर आपको बहुत सारे कंट्रोल बटन देखने को मिल जाते हैं। एक T-बार यहां पर दिया गया है, जिससे आप कैमरे को स्विच कर सकते हो। साथ ही साथ दो कंट्रोल नॉब यहां पर दी गई हैं, जो कि हमारे सेटिंग्स वगैरह के काम में आएंगी। यहां पर एक पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने का बटन दिया गया है। यहां पर ऑडियो कंट्रोल के सारे बटन देखने को मिलते हैं। इस डिवाइस के अंदर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, प्लेबैक कर सकते हो, उसका ऑप्शन यहां पर देखने को मिल जाता है। आपको रिकॉर्डिंग करनी है, प्ले करना है, रिकॉर्ड करना है, वो सब बटन यहां देखने को, सारे बटन यहां मिल जाते हैं। इस डिवाइस में हमें HDMI और SDI दोनों इनपुट कनेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस साइड आप यहां पर देख रहे हो, चार SDI इनपुट आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हो, SDI पोर्ट दिए गए हैं। इसके अलावा ऊपर की साइड यहां पर आपको चार HDMI इनपुट पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ दो HDMI आउट के पोर्ट दिए गए हैं, दो USB-C टाइप आउट के पोर्ट दिए गए हैं, एक ईथरनेट पोर्ट दिया गया है और एक पावर पोर्ट यहां पर दिया गया है। इसके अलावा ऑडियो के लिए यहां पर माइक 1, माइक 2 और ऑडियो आउट का पोर्ट यहां पर दिया गया है। HDMI आउट 1 वाला जो पोर्ट है, इसके थ्रू आप प्रोग्राम आउट को अपनी TV स्क्रीन या मॉनिटर पर इसके आउटपुट को देख सकते हो। और HDMI आउट 2 वाला जो पोर्ट है, ये मल्टी व्यू के लिए भी आप काम में ले सकते हो। तो यहां पर जो USB 1 वाला पोर्ट है, ये बेसिकली वेबकैम आउट का पोर्ट है। इसके थ्रू आप इसकी डिवाइस के आउटपुट को बिना किसी कैप्चर कार्ड के अपने लैपटॉप के USB पोर्ट पर कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ USB 2 वाला जो पोर्ट है, ये आपका वेबकैम इनपुट का पोर्ट है। इस पर आप अपनी पेन ड्राइव लगा सकते हो या फिर आप SSD लगाकर रिकॉर्डिंग उसके अंदर कर सकते हो। और कोई भी कंटेंट अगर आपको इंपोर्ट करना हो, कोई वीडियो इंपोर्ट करना हो, तो वो आप यहां से कर सकते हो USB 2 के थ्रू। और डिवाइस के इस साइड कूलिंग के लिए कुछ बैंड्स दी गई हैं। साथ ही साथ नीचे की साइड आप देखोगे एक SD कार्ड स्लॉट दी गई है। इसमें SD कार्ड लगाकर आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हो और कोई भी कंटेंट वीडियो वगैरह अगर आपको इंपोर्ट करना हो तो वो भी आप यहां पर कर सकते हो। काफी बेहतरीन क्वालिटी की डिवाइस है। अब मैं इसे कनेक्ट करके देखने वाला हूं। यहां पर मैंने एक DSLR कैमरा ले लिया है, दूसरा DSLR कैमरा हमारा यहां पर लगा हुआ है और ये है मॉनिटर जो इसके साथ आया है। मॉनिटर और स्टैंड ये भी हम यहां पर कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा मैं अपनी लैन केबल भी इसके साथ कनेक्ट करने वाला हूं। आपके भाई वन वाले पोर्ट पर एक DSLR कैमरा लगाया है, HDMI 2 पर दूसरा कैमरा लगाया है। इसके अलावा यहां पर पावर पोर्ट पर मैंने इसकी केबल कनेक्ट कर दी है और यहां पर लैन पोर्ट पर मैंने नेटवर्क केबल कनेक्ट कर दी है। अगर आप चाहते हो अपने कैमरे को HDI पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करना, तो वो भी आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हो और HDMI पोर्ट के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक बार मैं
आप केवल 4 कैमरे ही यहां पर कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हो। चाहो तो आप अपने 2 कैमरे HDMI इन पोर्ट के थ्रू कनेक्ट कर लो, 2 SDI पोर्ट के थ्रू कनेक्ट कर लो, या फिर आप 4 SDI या फिर 4 HDMI अलग अलग कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक बार में 4 कैमरे ही यहां पर काम करेंगे। यहां पर HDMI आउट 2 पर मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। ये सारे कनेक्शन यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इस डिवाइस को इस स्टैंड के ऊपर माउंट कर देता हूं, जिससे इसे इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। तो अब ये डिवाइस यहां पर कनेक्ट हो चुकी है। मॉनिटर के ऊपर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। ये है हमारी प्रीव्यू विंडो, ये है प्रोग्राम विंडो, और यहां पर आपको जो भी सोर्सेज आपने ऐड किए हैं वो दिखाई देंगे। 2 कैमरे हमने कनेक्ट कर रखे हैं, इनपुट 1 इनपुट 2, ये हमारे 2 DSLR कैमरे हैं और 2 पोर्ट अभी हमारे खाली हैं। इसके अलावा नीचे की साइड आप देख रहे हो, इसमें आप अपने किसी भी प्री रिकॉर्डेड वीडियो को भी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने अपने SD कार्ड के थ्रू एक वीडियो यहां पर मैं लेके आया हुआ हूं, वो आपको यहां देख रहे हो ऑक्सिलरी वाले ऑप्शन पर ये दिखाई दे रहा है। यानी आप अपने 4 कैमरे यहां शो कर सकते हो, इसके अलावा ऑक्सिलरी पोर्ट के थ्रू आप अपना वीडियो शो कर सकते हो, इसके अलावा Still 1 Still 2, यानी आपको कोई इमेज वगैरह दिखानी हो तो वो भी आप यहां से शो कर सकते हो। यानी एक तरह से आपको इसमें 12 इनपुट देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पर हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। इस साइड आप देखोगे यहां पर आपका पूरा स्टेटस शो होता रहता है, आपकी स्ट्रीम ऑन है, ऑफ है, रिकॉर्डिंग चल रही है, क्या चल रहा है, वो सब यहां शो होता रहता है। आपका ऑडियो लेवल यहां पर शो होता रहता है, तो यहां से आप देख सकते हो कि आपका स्टेटस क्या है इस समय। तो यहां डिवाइस के ऊपर इसके सारे कंट्रोल बटन देखने को मिल जाते हैं और बटन्स में LED लाइट्स भी दी गई हैं। 4 बटन है, ऊपर प्रोग्राम के बटन है, इससे आप प्रोग्राम को स्विच कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो हमारा पहला कैमरा है, ये रेड इंडिकेटर यहां पर आ रहा है, इट मींस हमारा पहला कैमरा शो हो रहा है हमारे इस प्रोग्राम विंडो में। अगर मुझे यहां से चेंज करना हो तो ऊपर वाला स्विच से अगर मैं चेंज करूंगा तो हमारा प्रोग्राम विंडो चेंज होगा, प्रीव्यू विंडो चेंज नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं प्रोग्राम विंडो हमारी यहां पर चेंज हो गई है और प्रीव्यू विंडो यहां पर हमारी चेंज नहीं हो रही है। इसी तरह से यहां पर नीचे प्रीव्यू के 4 बटन दिए गए हैं। अगर आप प्रीव्यू को चेंज करना चाहते हो तो यहां से आपका प्रीव्यू चेंज होगा, आपका प्रोग्राम विंडो चेंज नहीं होगा। इस तरह से आप देख सकते हो प्रीव्यू विंडो हमारी चेंज हो रही है। तो जो ग्रीन कलर में शो हो रहा है ये हमारा प्रीव्यू है, इससे आप पता लगा सकते हो कि आपका कैमरा अगर ग्रीन कलर में ये की शो हो रही है तो आपका कैमरा इस समय प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है, और जो रेड कलर से अगर कोई बटन शो हो रहा है तो इट मींस प्रोग्राम में वो शो हो रहा है। इसके अलावा इस वीडियो को अगर हमें शो करना है, जो ऑक्सिलरी के थ्रू इस वीडियो को अगर हमें प्रोग्राम में शो करना है, प्रोग्राम वाली जो रो है इसमें भी एक ऑक्सिलरी का बटन दिया गया है और प्रीव्यू वाले में भी एक ऑक्सिलरी का बटन दिया गया है। जैसे आप देखो प्रोग्राम के आगे वाला ऑक्सिलरी बटन में जैसे ही प्रेस करता हूं, आप देख सकते हो हमारी वीडियो यहां पर प्रोग्राम में दिखाई देने लगी है। और अगर आप चाहते हो इस वीडियो को प्रीव्यू में शो करना तो यहां ऑक्सिलरी का जो बटन है इसे प्रेस करेंगे तो ये हमारा प्रीव्यू में शो होने लगेगा। इसी तरह से सीन को चेंज करने के लिए यहां पर जो टी बार दिया गया है इससे आप सीन को इस तरह से चेंज कर सकते हो, टी बार के थ्रू भी आप चेंज कर सकते हो, और डायरेक्ट अगर आपको सीन को चेंज करना हो तो डायरेक्ट भी आप इस तरह से सीन को यहां से डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहां पर आपको और भी बहुत सारे बटन देखने को मिल जाते हैं। पावर ऑन ऑफ का बटन है, यहां पर लाइव स्ट्रीमिंग का बटन दिया गया है, इसके अलावा यहां पर ऑडियो के बटन दिए गए हैं, माइक 1 माइक 2, इनपुट 1 इनपुट 2 इनपुट 3 इनपुट 4, यानी मैनुअली आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो अपने ऑडियो को। ऑडियो मिक्सर का पूरा ऑप्शन आपको यहां देखने को मिल जाता है, ऑडियो आपको मिक्स करनी हो तो वो भी यहां से कर सकते हो। इसके अलावा यहां पर आपको कुछ मेमोरी के बटन देखने को मिल जाते हैं, मेमोरी में आप अपना कुछ सेव करके रख सकते हो, कुछ सेटिंग्स अगर आपको सेव करके रखनी है तो वो आप यहां पर रख सकते हो, यानी यहां पर मैक्रो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहां पर आपका एक नॉब दी गई है जिससे आप इसकी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। यहां पर मेनू का बटन दिया गया है, रिकॉर्डिंग के लिए यहां पर रिकॉर्डिंग का बटन दिया गया है, प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन दिया गया है, आप अपने किसी वीडियो को यहां पर प्ले कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, वो सारे बटन यहां पर दिए गए हैं। यहां पर जो FTP का बटन दिया गया है, FTP के बटन को जब आप प्रेस करोगे तो आपकी जो प्रोग्राम विंडो है, आपकी लाइव चल रही हो या फिर आपकी रिकॉर्डिंग हो रही हो, वो यहां पर एक तरह से ब्लैक हो जाएगी, लेकिन रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। वापस आपको लेके आना है, FTP पर प्रेस कर दो वापस आ जाएगा। ये ऑटो ट्रांजिशन का है, ये कट का है, तो यहां पर कट पर अगर आप एक बार प्रेस करोगे तो ये बिना ट्रांजिशन के आपका कैमरा स्विच हो जाएगा, प्रोग्राम से प्रीव्यू में इस तरह से स्विच हो जाएगा। अगर आपको वीडियो को स्टॉप करना हो, पॉज करना हो, तो यहां से आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। ये आप देखो वीडियो हमारी यहां पर पॉज हो चुकी है, प्ले करना है फिर से आप प्ले कर दीजिए। तो यहां पर जब आप मेनू के बटन पर प्रेस करोगे तो इस तरह से आपको सारे ऑप्शन यहां देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इसे नीचे की तरफ डाउन करना है तो ये जो नॉब दी गई है इसे नीचे की तरफ घुमाओगे तो इस तरह से आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करने के लिए इसी बटन का इस्तेमाल करना है, और इसे अगर सिलेक्ट करना है तो इस बटन को पीछे की तरफ
आप एक बार पुश कर दोगे तो इस तरह से और भी ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जैसे कलर वन, कलर टू, ये सब ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं का ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा लूमा की का ऑप्शन आ रहा है, क्रोमा की का ऑप्शन आ रहा है, की पैटर्न का ऑप्शन आ रहा है, पिक्चर इन पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है। इसे जब आप प्रेस करोगे तो पिक्चर इन पिक्चर के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ से सोर्स का ऑप्शन आ रहा है, कौन सा सोर्स आपको सिलेक्ट करना है, साइज पोजिशन वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, मास्क का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप पूरी तरह से पिक्चर इन पिक्चर के ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर डीएसके का ऑप्शन आ रहा है, डीएसके पर क्लिक करके आप डीएसके यूज कर सकते हो। साथ ही साथ नीचे एफटीबी की सेटिंग आप कर सकते हो, एफटीबी का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, इसमें आप रेट, ऑडियो, ये सब कुछ आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो ये सब ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं, एफटीबी का जो ऑप्शन आ रहा है। वापस जाते हैं, उसके बाद ऑडियो मिक्सर का ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है, इस पर जब आप प्रेस करोगे यहाँ से आप सेट कर सकते हो माइक वन, माइक टू, इनपुट वन, इनपुट टू, सभी सोर्सेज के वीडियो की जो ऑडियो है, ऑडियो को आप यहाँ से पूरी तरह से सेट कर सकते हो। फोल्डर कौन सा रखना है, बैलेंस, इनपुट, ये सब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। डिले देना है, डिले वगैरह सब सेटिंग यहाँ से आप ऑडियो मिक्सर के थ्रू कर सकते हो। ऑडियो मिक्सर के बाद स्टिल जनरेटर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप कोई भी स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो वो आप ले सकते हो। स्टिल सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, कौन सा आपको लेना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, यानी आप इसके अंदर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैक्रो का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद स्ट्रीम का ऑप्शन आ रहा है। इस डिवाइस के अंदर आप एक साथ तीन प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग एक साथ कर सकते हो। तो स्टीम का ऑप्शन आ रहा है, इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर स्टीम के अंदर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, स्ट्रीम वन, स्टीम टू और स्ट्रीम थ्री। और उसके बाद लोड सेट का ऑप्शन आ रहा है, प्लेबैक का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। मान लो लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप आपको करना है, यहाँ पर जो स्ट्रीम वन वाला ऑप्शन है इसमें मैंने अपना यूट्यूब RTMP सिलेक्ट कर रखा है और सर्वर मैंने प्राइमरी रखा है। यहाँ पर मैंने स्ट्रीम की भी डाल दी है और यहाँ पर मैंने इसे ऑन भी कर दिया है। स्ट्रीम टू के अंदर मैंने यहाँ पर अपना फेसबुक वाला अकाउंट यहाँ पर ऐड कर रखा है, फेसबुक की स्ट्रीम की यहाँ पर दे रखी है। ये सब ऑप्शन करने के बाद आउटपुट को मैंने ऑन कर रखा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपनी लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लेटफॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कौन सा प्लेटफॉर्म आपको रखना है, जैसे फेसबुक रखना है, यूट्यूब रखना है या ट्विच रखना है या फिर कोई भी जो प्लेटफॉर्म पर लाइव करना चाहते हो वो आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। मान लो फेसबुक मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसे ओके कर देंगे, फिर नीचे की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर सर्वर आपको सिलेक्ट कर लेना है तो मैं डिफॉल्ट सर्वर यहाँ रखूंगा, उसके बाद इसे सिलेक्ट करेंगे। अब नीचे स्ट्रीम की का ऑप्शन आ रहा है, अब जो भी आपकी स्ट्रीम की हो आपको यूट्यूब या फेसबुक पर जाना है, वहां से आपको स्ट्रीम की ले लेनी है और उस स्ट्रीम की को यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप अपनी स्ट्रीम की को मैन्युअली भी एंटर कर सकते हो। दूसरा तरीका है शॉर्टकट का, इसके अंदर जो SD कार्ड है, SD कार्ड को आपको अपने लैपटॉप या PC में लगाना है और उसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर आपको एक स्ट्रीम _ की का एक फोल्डर दिखाई देगा, उसमें आपको अपनी स्ट्रीम की TXT फाइल के रूप में उसमें सेव कर देनी है और SD कार्ड को फिर से इसमें जब आप लगाओगे तो आपकी स्ट्रीम की यहाँ पर शो होने लगेगी और उसके बाद वापस आपको यहीं पर आना है। जब आप इसके ऊपर वापस आओगे तो यहाँ आप देख रहे हो नीचे की तरफ एक ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है अपलोड की, तो अपलोड की पर जब आप क्लिक करोगे तो अपने आप ही जो आपकी स्ट्रीम की है वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। तो मैनुअली करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आप अपने SD कार्ड के थ्रू भी यहाँ पर अपनी स्ट्रीम की को इम्पोर्ट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। तो यहां पर मैंने अपनी दो लाइव स्ट्रीमिंग ऐड कर रखी है, स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2। तो इस तरह से यहां पर आप लाइव स्ट्रीमिंग सेटअप कर सकते हो, अपनी RTMP की URL वगैरह सब यहां पर आपको दे देना है, आउटपुट को ऑन कर लेना है। उसके बाद डिवाइस के ऊपर यहां पर लाइव का बटन दिया गया है, लाइव के बटन पर आपको प्रेस कर देना है। जैसे ही आप यहां पर प्रेस करोगे आपकी लाइव स्ट्रीमिंग आपके YouTube पर स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर आप YouTube के लाइव कंट्रोल रूम पर देख सकते हो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यहां पर चालू हो चुकी है। जो लाइव स्ट्रीमिंग हमने स्टार्ट की थी वो यहां पर हमारे YouTube के लाइव कंट्रोल रूम पर ये लाइव स्ट्रीमिंग प्ले हो रही है, तो ऊपर हमारी ये लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो चुकी है। इसी तरह से फेसबुक के ऊपर भी हमारी ये लाइव लगातार चल रही है। एक साथ तीन प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। लाइव स्ट्रीमिंग को स्टॉप करना हो तो सिंपल इस बटन को प्रेस कर दो, आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टॉप हो जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग करने के यहाँ पर आपको दो तरीके देखने को मिलते हैं, एक तो आप सीधा इस डिवाइस से इस तरह से लाइव कर सकते हो और दूसरा जो इसका सॉफ्टवेयर है PC सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप यहाँ पर लाइव कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि आपने देखा बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी
की डिवाइस है, इसे यूज करना बहुत ही आसान है। इसमें आपको चार HDI और चार HDMI इनपुट पोर्ट मिल जाते हैं। आप एक साथ तीन प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो। काफी बेहतरीन क्वालिटी की डिवाइस है। अगर आप इस डिवाइस को परचेज करना चाहते हो तो मैंने यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉल करके आप इस डिवाइस के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हो और इस डिवाइस को परचेज भी कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।